अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है वो हिंसक होती हुई नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने बीड समेत कई जगहों पर जबरदस्त आगजनी की। जी हां, इसको लेकर के किस तरीके के हालात प्रदेश में पैदा हो चुके हैं देखिए। सबको कहीं जबरदस्त आगजनी की गई तो कहीं बसों में तोड़फोड़ की गई, कहीं दफ्तरों को जला दिया गया तो कहीं विधायकों के घर में आग लगा दी गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बेहद उग्र प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने बीड के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंके के घर और दफ्तर पर पथराव किया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइक और कार को भी फूंक दिया। वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया। आंदोलन हिंसक होने के बाद महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देर रात मीटिंग की। इससे पहले शिंदे राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी। इस बीच यवतमाल में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा समुदाय को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जे मराठा समाजाला जे आरक्षण आहे ते टिकणार, नियमातलं कायद्याच्या चौकटीत बसणार देईल म्हणून मी स्वतः त्या ठिकाणी आज बैठक घेतली। इधर छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी विधायक प्रशांत बम के दफ्तर में भी भीड़ ने तोड़फोड़ की। छत्रपति संभाजी नगर जिले के गंगापुर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित बीजेपी विधायक प्रशांत बम के कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल मचाया।